ताकि आपको जो है वो एनर्जी मिलती रहे. चले, थैंक यू सो मच जुनेद उस्मान एंड शेख, यू आर वंडरफुल. बहुत इंस्पिरेशनल आपने स्पीचेस भी दी और उम्मीद यही करते हैं कि जो उन्होंने बताया है वो आप लोग इम्प्लीमेंट भी करें. लेकिन आज जो है हमारे साथ सिर्फ क्रिकेटर्स मौजूद नहीं हैं, और भी बहुत से बड़े बड़े नाम हैं आप लोगों के सामने जो है ये पूरी टेबल बैठी हुई है. तो मेरा ख्याल से कि मैं इनको भी बुलाना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ, इफ़ यू कुड ऑल कम अप ऑन स्टेज. इमरान अब्बास, मावरा हुसैन, हरीम फारूक, अहमद अली, उस्मान मुख्तार, इमाद इरफानी, मुनीब नवाज एंड मीशा शफी. Entertainment and cricket. There is a huge link in it. You know, we talk about all these aajkal leagues ho rahi hain. Some of you I've seen, Mavra, you were there as well. So, ye jo ek rishta hai cricket aur entertainment ka, ye hamesha se hum dekhte aa rahe hain. Imran, aapse main puchungi because I know that you have a lot of interest in cricket as well. Ki aapka kya paigham hai in jo yahan pe jo cricketers hain? Because although the fields are different, लेकिन आपकी अपनी लाइफ में भी यू गो थ्रू सर्टेन ट्रायल्स, यू गो थ्रू सर्टेन डिफिकल्टीज. सो व्हाट इज योर मैसेज फॉर दीज क्रिकेटर्स? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद. हमारी भी फील्ड और आपकी फील्ड दोनों में बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं. एक तो ये कि हम भी मुल्कों को करीब लाते हैं, लोगों को करीब लाते हैं आर्ट के थ्रू, और आप लोग भी. लेकिन एक चीज़ हमेशा एक बहस रही है कि टैलेंट और हार्ड वर्क में कौन जीतता है. कभी कभी अगर आपके पास टैलेंट की थोड़ी कमी भी होती है तो हार्ड वर्क उसको ब्रश कर देता है, उसको उस जगह पे ले आता है जहाँ पहुँचना चाहते हैं. लेकिन हार्ड वर्क की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मेहनत की कोई रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं है. और एक चीज़ और जो हमारी और आपकी मुश्तरक है वो ये कि अनप्रडिक्टेबिलिटी. हम कितना ही मेहनत कर लें, बाज़ दफ़ा कितनी ही हम तगड़ा कर लें या ट्रेन कर लें अपने आप को, लेकिन किस्मत में जो हमारे लिए लिखा होता है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ भी हो सकता है. तो इसके लिए भी तैयार रहिए. हम लोग भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करते हैं और अपनी फिल्म के लिए बहुत कामयाबी की कोशिश करते हैं और वो आखिर में आगे फ्लॉप हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता कि वो चले कि ना चले. इसी तरह लेकिन दिल नहीं हारना होता, अगली के लिए मेहनत करनी होती है, पॉजिटिव रहना होता है. सोच बहुत इंपॉर्टेंट है और हार्ड वर्क प्रोसेस से भी. बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज अगेन के देयर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव व्हाट यू हैव टू. अच्छा निशा, आप साथ खड़ी हैं, मुझे बताएं आप फॉलो करती हैं क्रिकेट? कुछ टाइम जब मिल जाए तो कर लेती हूँ. एक ज़माने में बहुत एक्सटेंसिवली फॉलो करती थी. सो आई एम स्टिल एक्साइटेड दो, इट्स समथिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट. हू इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम? वसीम अकरम. वसीम अकरम बहुत लोगों के फेवरेट हैं. लेकिन निशा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, ऑब्वियसली यू आर इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है कि क्या व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, यू नो व्हेन यू लुक एट दिस फील्ड एंड एंटरटेनमेंट, व्हाट डू यू थिंक इज सिमिलर? यू बोथ इन द लाइमलाइट, यू बोथ आउट देयर, यू बोथ आर ओपन टू क्रिटिसिज्म. सो येस, वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्स. ये बड़ा जज्बाती काम होता है कि अपने पैशन को लेके आप लोग भी परफॉर्म करते हैं, एथलीट्स परफॉर्म, आर्टिस्ट भी परफॉर्म करते हैं. तो जब परफॉर्मेंस की बात आ जाती है तो आप अपने आप को बिल्कुल पेश कर देते हैं ना एक ऑडियंस के सामने, एक इंटरनेशनल ऑडियंस. अब तो बिकॉज ऑफ हाउ स्मॉल द वर्ल्ड हैज बिकम बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, तो जाहिर है हर तरह का क्रिटिसिज्म आता है. बट जो हार्ड वर्क की बात अभी इमरान कर रहे थे उस पर मैं थोड़ा सा एलैबोरेट इस तरह से आई वुड लाइक टू से कि हार्ड वर्क जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत और जिद्दोजहद, इट साउंड्स लाइक दैट, लेकिन जब आप अपना पैशन फॉलो करते हैं और आप अपनी मर्जी की चीज़ ज़िंदगी में करते हैं
तो वो अमूमन एक्चुअली हार्ड वर्क फील भी नहीं होता. आप हम भी घंटों शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, काम करते हैं, बट अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, जो कि आई थिंक आप लोग सब कर रहे हैं, कई तो छुप के आए हैं अपने घर वालों से, सो ये पैशन ही हुआ. सो जब इन्जॉय करेंगे और उसको अपनी एनर्जी और अपना टाइम उस तरह से देंगे, यू विल फील लकी. ये तो हार्ड वर्क तो लगता ही नहीं है जब आप अपनी मर्जी का काम करें. अच्छा, थैंक यू सो मच मीशा. माधरा, आप तो मुझे वहाँ ग्राउंड पे मिली और मैंने इनसे पूछा कि इनका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, और इनका फेवरेट क्रिकेटर यहाँ पे बैठा है, शुएब मलिक. तो आप बताइए, डू यू फॉलो क्रिकेट मच? हो ऑफ कोर्स, आई थिंक इन पाकिस्तान एवरीबॉडी फॉलोस क्रिकेट, कम या ज्यादा हो सकता है, बट आई डोंट थिंक वी लीव क्रिकेट अलोन. अच्छा, यू ऑब्वियसली गॉट यंग क्रिकेटर्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू मेड योर मार्क इन योर फील्ड. So what's your message for these guys? So I just want to say ke aap log sab abhi teenagers hain, aur ye bahut khushnaseebi ki baat hoti hai ki aapko apni teenage mein hi jo aap zindagi mein karna chahte hain usko steer karne ke liye log mil jaye, aur aap logo ke paas puri ek academy hai jo aap logo ko guide kar rahi hai. So stay focused, don't get distracted, you will not get this time again. And I think the best of the, you know, Nisha, Shreb, Atif, you know, the best of their fields have come out to tell you that we love you and we are with you and all the other actors. So just make us proud and run after your dreams. Don't leave your dreams alone. Don't give them up. Chahe kaisa bhi din ho, just run after your dreams. Kyunki life kuch bhi nahi hai dreams ke baghair. So, congratulations. Yeah, absolutely. Very important message, Mavra. You have to run out your dreams. You have to live your passion. Yes. Achha, Hareem, aapse main puchna chahungi. Again, I mean, do you follow cricket much, or is it something that you have always followed? And what's your message for you? I think cricket, sabse pehle to assalamu alaikum. And congratulations to all of you. I think apne liye ek dafa zor ki taaliyan bajaye, kyunki aap log yahan tak pahunche hain. Which is amazing. जहाँ तक क्रिकेट की बात है, पूरा मुल्क देखता है. आई थिंक इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना. पूरे मुल्क में उसका, पूरे दुनिया में उसका पैशन है. बट हम लोग सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि एक्टर्स, क्रिकेटर्स, हूएवर इट इज, जब भी हम मुल्क से बाहर जाते हैं, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं. तो आई थिंक बिफोर एनीथिंग एल्स, वी शुड रिमेंबर कि हम पाकिस्तानी हैं, और वहाँ पर जो जो शख्स हमें देख रहे हैं, वो हमें, हम उसके लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो वट एवर यू डू, जस्ट रिमेंबर वन यू प्लेइंग, जब आप खेल रहे हैं, ये मत भूलिएगा कि आप पाकिस्तानी हैं, और हम सबको रिप्रेजेंट करें. जस्ट डोंट फॉरगेट दैट. लास्टली आई एक्चुअली वांट टू से टू देम कि हार या जीत होती रहती है. फेलियर हार में नहीं होता, फेलियर गिव अप करने में होता. गिव अप कभी मत करिएगा, फेलियर कभी नहीं आएगा. Acha, Imad, aap, you know, like she's talking about how one should never give up. You know, you've obviously had a very successful career as well. Aapki life mein kabhi koi aisa moment aaya ho jab, you know, koi mushkil waqt aaya ho, usme se phir aap kaise nikle? Because these kind of stories are the stories that these guys need to know. Well, absolutely. Sabse pehle, meri bahut honor ki baat hai ki aapke childhood hero, Man with the Golden Arm ke samne aane par Singh, Mudas se nazar saab. You see, life is a game of ups and downs. It's not going to be constant. You will see, you'll have setbacks, you'll have the ups. Lekin, as Hareem said, ke aapko give up nahi karna. You have to face your fears, you have to face your setbacks, and overcoming your circumstances, that is self-confidence. And as Shweb said, do not crack under pressure. Give it your best shot. Aapke haath mein aapka attitude hai, aapki effort hai. Just forget about the results. Just give your best and have a right attitude. I think that is what matters. Acha, Muneeb, he's talking about attitude. You know, we've spoken about all the skills. Ye sari skills aapko required hoti hain on field perform karne ke liye. Attitude kitna important hai? Having the right attitude. Assalamu alaikum. Firstly, sare boys, aap log jeet gaye hain already. I don't think ki aap logon ko hame kuch aur kehne ki zarurat hai. Aap log yahan pe aa gaye ho. आप 11 वो बच्चे हो या 20 वो लोग हो जो 20 करोड़ आबादी में से निकले हुए हैं. सो ये सारा कुछ आपके लिए है.
और ये एटीट्यूड जो इस वक्त आपको ये सारे स्टार्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट विद दीज गाइज ऑन स्टेज. सो मेरे ख्याल से बीइंग हियर, आप लोगों से बात करने मेरे लिए एक फख्र की बात है. और एक छोटी सी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और आप लोग जिस स्टोरी से निकले हुए हो, जहाँ जहाँ से आए हो, वहाँ से अभी हम लोग देख रहे थे कि आप लोग, हर बंदा एक स्टोरी है, हर बंदा एक फिल्म है, हर बंदे के ऊपर फिल्म बन सकती है. सो आप लोग ये जो सारी हार्डशिप्स, ये सारी खामियां जो अपने मुल्क की या अपने इलाके की पुर करके आए हो, ये आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसलिए आप स्टार हो. किस पाकिस्तान में जो अंधेरा होता है, आप उसकी शाइनिंग करते हो हमारे लिए. यू बिकम द स्टार दैट वी शाइन थ्रू. सो यू गाइज आई थिंक आर ऑसम ऑलरेडी. यू गाइज आर द स्टार्स, यू आर द फ्यूचर दैट वी लुक फॉरवर्ड टू. एंड एटीट्यूड इज वही जो आप ये सारा कुछ जो अपना सफ़र तय करके आए हो, वो सारा कुछ जब आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट करोगे, जब जैसे ये लोग सारे बात कर रहे थे, हार जीत होती रहती है, सम डेज यू विल फील के एक कॉम्पिटिशन में बंदा आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, अपने अंदर देखो, उसको ना देखो, वो जो आपके अंदर से आवाज़ आएगी ना, वो आपको बताएगी कि जीतना है या कैसे परफॉर्म करना है, वो होता है एटीट्यूड फॉर मी. थैंक यू मुनीत, दैट वाज वेरी इंस्पिरेशनल मैसेज. अच्छा अहमद और उस्मान, यू नो ही इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ, एक टीम स्पिरिट की बात हो रही थी, तो आप लोग अक्सर जो हैं वो टीम्स में काम करते हैं, देयर इज अ होल टीम दैट गोज इनटू बिहाइंड ऑल द हार्ड वर्क. सो यू नो माय क्वेश्चन टू यू इज, हम यही देखते हैं कि जब भी एक टीम ऑन फील्ड आती है तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो मैटर करती ही है, लेकिन उस टीम का इकट्ठे रहना, इकट्ठे जेल करना, वो कितना इम्पोर्टेंट है? उसके लिए आई लाइक टू शेयर सम थिंग्स बिफोर आई गेट टू योर क्वेश्चन. सबसे पहले तो ये कि मेरी जिंदगी में भी तीन बहुत ज़रूरी फेजेस आए थे. एक तो अभी गुजर रहा है, मैं एक्टर बन गया. उससे पहले मैं म्यूजिशियन था, उसने मुझे बहुत सिखाया मेरे बारे में. लेकिन बिफोर दैट, जब से मेरी आंखें खुली हैं, मैं एक टेनिस प्लेयर था. मेरे वालिद साहब टेनिस प्लेयर, मेरा छोटा भाई इस वक्त पाकिस्तान नंबर टू है, मेरा बड़ा भाई टेनिस प्लेयर था, सारे स्कॉलरशिप पे गए, मैंने नेशनल लेवल टेनिस खेली. उसने मुझे बहुत सिखाया. आई वॉज एन एथलीट, और मेरा ख्याल था मैं एथलीट बनूंगा. फिर उसके बाद मैंने क्लब लेवल क्रिकेट खेली. 13 साल की उम्र में मैं अंडर 17 की एक कैटेगरी शुरू हुई थी, उसके लिए गया और सिलेक्ट हो गया. आई वॉज जस्ट 13, और मैंने हार्ड बैट से कभी खेली नहीं हुई थी क्रिकेट. वो अलग बात है, कैटेगरी ख़त्म हो गई. लेकिन सो आई नो दो बातें हैं. मेरे अबू भी एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, टेनिस कोच थे. वो कहते थे कि लक नहीं होता कुछ, लक इज़ व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रेपरेशन. कि आप सारी उम्र तैयारी करते आए और आपके सामने अपॉर्चुनिटी आके खड़ी होगी और आप उसके लिए रेडी थे. जो भी मैंने आप लोगों की स्टोरी देखी है, उसमें मुझे एग्जैक्टली वही चीज़ नज़र आई है कि आप लोग तैयारी करते आए सारी उम्र और अब आपको आके पेप्सी ने एक बहुत ज़बरदस्त चांस दिया. वन ऑफ द रीजंस मैंने क्रिकेट छोड़ी वाज बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स. मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत पॉलिटिक्स देखी, मैं उससे भागता था, मैं चला गया. बट यहाँ मुझे बिल्कुल नहीं नज़र आई. आप लोगों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है. दूसरी चीज़ ये कि चैम्पियन जो होते हैं वो ऑफ सीजन में बनते हैं. चैम्पियंस आर मेड ऑफ सीजन. जब आप बैठ के सोचते हैं कि आपने बॉलर को किस तरह खेलना है, बैट्समैन को किस तरह बॉल करानी है, जब आप ट्रेनिंग करते हैं, जब आप फिटनेस करते हैं, जब आप अपनी खामियों पे सोच के बारे में सोचते हैं. मेरे वाले साहब ने भी मुझे बहुत कोच किया और उसकी वजह से मैं आई बिकेम अ बेटर पर्सन. और चैम्पियन आपको जेंटलमैन बनना सिखाती है. आई होप यू कम बैक एज चैम्पियंस एंड एज जेंटलमैन. And we are extremely proud of you. One of the other things, coming to your question, one of the things, the most important things that jo mujhe team sports ne sikhaya hai, kyunki maine individual sport bhi kheli, tennis maine team sport bhi kheli, aap ek dusre ke sath kis tarah chalte hain, aap diversity ko kis tarah use karte hain, kis tarah ek dusre ki strength ko use karke aur apni khamiyon ko overpower karke ek dusre ki help se aap aage badhte hain. So I'm very proud of you. I know exactly how it feels, and I feel for you, and I hope you guys come back with a trophy. And even if you don't, you are our champions. So thank you and good luck. जबरदस्त आपने यहाँ पे बात की. अच्छा आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि you know everybody has a life story. जिस तरह आपने बताई, अगर आप उस्मान, अगर आप हमें बताएंगे कि आपकी क्या
life story, and we've all gone through certain struggles to reach the point where we are. So is there anything particular that you would like to add, koi aisa message, koi aisi moving story jo sunke you know be inspired? Assalamu alaikum. Main bachpan mein cricketer banna chahta tha. पढ़ाई को और क्रिकेट को जागरूक करना बहुत मुश्किल है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत से ऐसे एक्टर्स मौजूद हैं who wanted to become cricketers. So, yeah, Hareen was saying she wanted to become a cricketer. And women's cricket, as we know, we've got Sana Mir in the audience as well. बिल्कुल, इमरान ने कहा बहुत सारे क्रिकेटर्स भी एक्टर्स बनना चाहते हैं, ये भी इसमें भी काफी सच्चाई है। अच्छा, क्या लिया उनसे? मैं नहीं बन सका, आई बिकेम एन एक्टर, मैं एक फिल्म मेकर बना, मैं एक्टर बना, और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं क्रिकेटर बनूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अंडर 19 में सेलेक्ट होके वो बहुत बड़ी बात है, तो आप लोग तो वहीं पे, आप लोगों में से एक वसीम अकरम निकलेगा, एक शुएब अख्तर निकलेगा, एक सईद अनवर निकलेगा, तो आप लोगों को अपने पे यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, और आप लोग जाएँ दिल लगा के खेलें, हार जीत अल्लाह के हाथ में, जस्ट मेक अस प्राउड। थैंक यू, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड मुनीप, एक जो आपने सेंड ऑफ। ओके, सो बिफोर वी गो, वी जस्ट वांटेड टू गिव अ बिग सेंड ऑफ टू एवरीबॉडी, टू द एंटायर टीम, सो लेट्स डू दैट ऑन अ काउंट ऑफ 3, एंड दिस टाइम लेट्स डू द 3 प्रॉपर्ली। ओके, जस्ट दिस, रेडी? नो, जस्ट वन। कोऑर्डिनेशन करने पहले, ओके, 3, 2, 1। थैंक यू सो मच आप लोग सब, गुड लक टू द एंटायर टीम। आप लोग सब बैठ जाएं, आपको शायद हम दोबारा बॉदर करें। अच्छा, ये आपने सबकी स्टोरी सुनी, सबने अपनी अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बड़े खूबसूरत पैगाम भी दिए, तो अब जिसको मैं स्टेज पे बुलाने लगी हूँ, अभी एक बैकग्राउंड में गाना चल रहा है आपका, पेप्सी का, सबके इट्स बिकम यू नो अ पार्ट ऑफ आर कॉन्शियस, घर बैठे बैठे भी आप गा रहे होते हैं, ना भी सुन रहे हो तब भी गा रहे होते हैं। ही इज परहैप्स द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी इन पाकिस्तान, द मोस्ट टैलेंटेड, the brilliant Atif Aslam, please you take it. Assalamu alaikum everybody, quite a big occasion. Main is cheez ko isliye relate kar sakta hu because maine bahut dafa apni padhai ko chhod ke क्रिकेट कनेक्ट करने के लिए मैंने अपने वालदैन से बहुत मार खाई हुई है, सो आई जस्ट वांटेड टू कंग्रेचुलेट द होल टीम कि यू गाइस आर द चोज़न वन, और ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है, और अगर आप लोगों को मिली है तो आई थिंक कोई और तरीका नहीं है पाकिस्तान को इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर इससे बेहतर रिप्रजेंट करने का। एक बात जो मैं आप पूरी टीम को बताना चाहता हूँ कि देखें, आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, हर इंसान डिफरेंट बैकग्राउंड से होता है, उसकी ज़ुबान अलग होती है, उसका कल्चर अलग होता है। जब भी आप जीतें या हारें, अगर कोई पोडियम पे आपको बुलाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे इंग्लिश बोलनी है, आपको ज़रूरी नहीं है वहाँ पे अंग्रेज़ी में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। हमारी ज़बान उर्दू है ना, तो आपको, आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या मुश्किलात आई, आपको क्या मसले आए, किस वजह से आपने ऐसा खेला, और चाहे आप जीत के आए, चाहे आप हार के आए, हमें आप लोग उतने ही अजीज हैं, आप पाकिस्तानी हैं, हमें आप पे फ़ख्र है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और हमेशा हिम्मत दे इस बात की कि आप इस मुल्क को किसी ना किसी तरीके से, अमेजिंग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।
like I said, he's perhaps one of the biggest success stories in Pakistan right now. अच्छा जी अब एक वो moment आ गया है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे. I'd like to call upon Mr. Mudassar Nazar. Please अगर आप दोबारा से एक दफा head of academies आ जाएं एक दफा. Saad Munawwar and Shweb, आपको दोबारा से bother करेंगे क्योंकि and Junaid and Usman, please आ जाएं. क्योंकि वी हैव अ वेरी स्पेशल मोमेंट राइट नाउ. हम अपने जो क्रिकेटर्स हैं जो अंडर 19 की जो टीम जा रही है उनको एक सेंड ऑफ के लिए उनके ब्लेजर्स उनको देने लगे हैं. तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर. आई एम गोइंग टू अनाउंस देयर नेम्स वन बाय वन. सबसे पहले लेट्स कॉल अपॉन द कैप्टन द प्राइड ऑफ पाकिस्तान हसन खान मोहसिन खान इमरान शाह Zaid Alam, Ruhail Nazir, Muhammad Taha, Imad Alam, Ali Zaryab, Saad Khan, Musa Khan, Shaheen Shah, Munir Riaz, Arshad Iqbal, Muhammad Ali and Suleiman Shafkat. अगर आ जाए मंसूर राणा साहब अब्दुल रहमान एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड नदीम खान साहब प्लीज वी ऑल वांट अ ग्रुप पिक्चर वेल अ ग्रैंड सेल्फी एज वी कॉल इट. अच्छा जी मार्केटिंग एंड सेल्स की डायरेक्टर जो वहां पे बैठी हुई है प्लीज अगर आप भी आ जाएंगी मिस नायला भट्टी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हर एवरीबडी एंड ऑल द सेलिब्रिटीज देयर आर हियर माबरा इमरान जो भी मुझे नजर आ रहा है माद क्योंकि वी गोना हैव वन ग्रुप पिक्चर. तो अगर आप लोग भी आ जाए ऑन स्टेज प्लीज. कॉल अपॉन स्टेज अली जिया जिन्होंने पेप्सी फ्यूचर 11 के लिए बहुत काम किया प्लीज अगर आप स्टेज पे आ जाएंगे अली. किसी से ना डरूं
सना आप क्यों वहां पे बैठी हुई है, यू आर सपोज्ड टू बी ऑन द स्टेज एज वेल. अगर आप भी आ जाए प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर वुमेन्स टीम की कैप्टन सना अमीर.